लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इंडियन क्रिकेटर नाथू सिंह ने गुरुवार को अपना 23वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। नाथू सिंह उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन रातों रात जिनकी किस्मत बदल गई। नाथू सिंह के पिता एक वायर फैक्ट्री में मजदूर हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किलों के साथ उन्हें बड़ा किया। उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए वे अपना घर तक बेचने को तैयार हो गए थे, लेकिन IPL ने उन्हें करोड़पति बना दिया। पिता के स्ट्रगल को लेकर एक इंटरव्यू में नाथू ने बताया था कि जब 16 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस वक्त उनके लिए महंगे शूज लेना भी आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें 5,000 रुपए के जूते दिलाए थे। इसके बाद खर्चे बढ़ने पर वे नाथू के लिए ओवर टाइम करने लगे। नाथू के मुताबिक, उन्हें घर भी चलाना होता था और मेरे खर्च भी। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, जो तू कर रहा है बस मन भर के कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे घर क्यों ना बेचना पड़े। पिछले साल IPL नीलामी में 10 लाख की बेस प्राइज वाले नाथू को मुंबई इंडियंस ने 3.2 करोड़ रुपए की चौंकाने वाली कीमत पर खरीदा था। इसके बाद गरीब घर का ये खिलाड़ी रातों रात स्टार बन गया था। हालांकि पिछले सीजन में नाथू को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। इस साल गुजरात लायंस की टीम ने 10 लाख रुपए की बेस प्राइज वाले नाथू को 50 लाख रुपए में खरीदा था। इस बार उन्हें 2 मैच खेलने के मौके भी मिले, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया। IPL में रातों रात किस्मत बदलने के बाद दिए एक इंटरव्यू में नाथू ने कहा था कि वे इन पैसों से सबसे पहला काम अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के लिए एक बड़ा सा मकान बनाना चाहते हैं। उनका ये सपना अब पूरा हो रहा है। वे जयपुर में अपने माता पिता के लिए बड़ा करीब 1.5 करोड़ रुपए में 3 मंजिला आलिशान मकान तैयार करवा रहे हैं। ये मकान उनके पुराने पुश्तैन मकान को तोड़कर ही बनाया जा रहा है। मकान का काम पूरा होने के बाद जल्द ही पूरा